अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट लगाया, गेंद सीधा गई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। बाउंड्री में बल्लेबाजी होती हुई मरवान कादरी द्वारा, ये दूसरा चौका लगता हुआ मरवान कादरी का। एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मरवान कादरी, ये दूसरा चौका निकलता हुआ मरवान कादरी के बल्ले से। फिर से एक बार प्रशांत सर, इस बार हवा में गेंद और काफी बड़ा लगता हुआ शाइनर्स को मरवान कादरी के रूप में, और 501 रुपए के हकदार हो चुके हैं प्रशांत सिंह के सर। सब उठे लगाता इनाम 501 रुपए का। बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई और इनाम रखा था पप्पू गुट्टे ने 501 रुपए का पर विकेट पर। एडवोकेट अजहर पठान साहब, आप स्टेज की ओर आए। बेहतरीन गेंदबाजी के प्रशांत सर ने, 501 रुपए के हकदार हो चुके हैं प्रशांत सर, अब मरवान की जगह ले रहे हैं। अब मरवान कादरी की जगह लेना है बल्लेबाज वसीम शेख, एक बेहतरीन बल्लेबाज है वसीम शेख, पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी करी थी और इतनी बेहतरीन कैच को लपका। शाहरुख भाई को या ठीक है, हॅलो, आदरणीय सामाजिक कार्यकर्ते यशवंतभाई अहमद यांचं या ठिकाणी मंचावरती आगमन झालेलं आहे। अगदी मनापासून त्यांचं पंच कमिटीच्या वतीने मी प्रथमतः शब्द सुनावणे। तसेच आदरणीय शोएब भाई यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, मनापासून धन्यवाद त्यांचं। शाहरुख भाई, और एक रन आसानी से पूरा किया, इस एक रन से 32 रन संख्या 12 रन, एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर जारी है जिसे पूरा कर रहे हैं प्रशांत शिंदे सर। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा होता है प्रशांत शिंदे की ओर से। फिर एक बार स्ट्राइक पर होंगे सचिन सूर्यवंशी, सामने है प्रशांत सर गेंदबाज, और इस बार रिवर्स खेलने का प्रयास किया था पर खाली खाली डॉट गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई प्रशांत सर इनके द्वारा, लाजवाब गेंदबाजी। फिर से एक बार प्रशांत सिंधे सर चले, सामने है सचिन सूर्यवंशी, अच्छी धीमे गति की गेंद थी, हल्के हाथ से खेला, खाली खाली डॉट। फिर से एक बार कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दे रहे प्रशांत सिंधे, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक प्रशांत सिंधे। फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आएंगे प्रशांत सिंधे, सामने है सचिन सूर्यवंशी, और इस बार समाचार पर बल्ले पर कोई आई नहीं गेंद, काली काली डॉट। फिर से एक बार ओवर की समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 12 रन एक विकेट के नुकसान पर। एक मिनट शाहरुख भाई, या ठिकाणी आपल्या कणवीर शहरातील नामांकित हेल्थ क्लबचे संचालक आदरणीय शोएब भाई सिद्दीकी यांचं या ठिकाणी मंचावरती आपण झालेलं आहे, अगदी मनापासून त्यांचं मी शब्दसुमन या ठिकाणी स्वागत करतो। तसेच कळमनुरी नगर परिषदेचे विद्यमान सदस्य आदरणीय शेख बाबाभाई यांचंही या ठिकाणी मंचावरती आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही मी या ठिकाणी शब्दसुमनाने स्वागत करतो। पंच कमिटीच्या वतीनं हे स्वागत या ठिकाणी होते आहे, अगदी मनापासून आपलं या ठिकाणी त्यांचं स्वागत। या ठिकाणी पुष्पगुच्छ देऊन आदरणीय अशफाकभाई पठाण तसेच प्राध्यापक मोहम्मद परवेज सर यांना या ठिकाणी विनंती आहे की आपण शोएब सिद्दीकी सर यांचं या ठिकाणी आपण पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचं आहे। तसेच आदरणीय एजाजी पठाण सर यांना या ठिकाणी विनंती आहे की आपणही या ठिकाणी स्वागताचा स्वीकार करायचा आहे, अशी आपणास विनंती आहे। आदरणीय एजाज पठाण सर,
कृपया आपणास विनंती आहे की आपण पंच कमिटीच्या वतीने होत असलेल्या या स्वागत सत्काराचा स्वीकार करायचा आहे. त्यानंतर अनिल भाऊ आणि ओके ओके असिम भाई जगदीश आहे तिसरी उडलेकर अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही पहली गेंद वहां पर डॉट करने में कामयाब जगदीश दो ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 12 रन शैनर्स तीसरा ओवर लेकर आते हुए एक बार फिर जगदीश जो कि जगदीश चले अच्छी शॉट वहां पर गैप में खेलते हुए लेकिन सीधा अवेश के हाथ में एक ही रन मिलेगा वहां पर 124 रनों का लक्ष्य का पीछे करते हुए शैनर्स काफी बड़ा टारगेट रखा है बालाप्रिय उदा ने शैनर टीम के सामने स्वर्गीय खादर एडवोकेट राजू सातो इनके स्मरणार्थ रखा गया है केपीएल का यह आज का आखिरी दिन सेकंड सेमीफाइनल मैच हम देखते हुए बालापुर योद्धा और सैनिक टीम के बीच तीसरा ओवर पूरा करते हुए जगदीश सामना करेंगे सचिन सूर्यवंशी बहुत अच्छी गेंद बार बार बीट कराने में कामयाब रहते हुए गेंदबाज जगदीश लाइन और लेंथ काफी अच्छी इस बार काफी किफायती गेंदबाजी का 124 रनों का बहुत बड़ा लक्ष्य एक विकेट जो कि महत्वपूर्ण विकेट अब तक लेने में कामयाब बालाप्रिय था मरवन कादरी जिनका पहला विकेट गिरा है सचिन और इस बार नहीं रोक पाएंगे गए जिला बोलने के बाहर रहते हुए चारों लोग लिए मांगे पर जो बहुत अच्छी शॉट और जानते ही जो तीन ओवर का थर्डियर सर्कल रहता है उसका बहुत भी फायदा उठाया बल्लेबाज ने पॉइंट की दिशा में फील्डर के सर के ऊपर से खेला हुआ यह स्ट्रोक चार रन मिले एक बार फिर जगदीश अच्छी गेंद पर खेला है और मिस फील्डिंग गेंद बाउंड्री लगी जाती हुई कोई मौका नहीं चार रन मिलेंगे अफरोज पठान और अफरोज अली साहब इनका भी यहां पर आगमन होता हुआ थोड़ा सा खराब प्रदर्शन वहां पर गेंद को रोकने का प्रयास किया था आवेश ने लेकिन नहीं रोक पाए थोड़ी सी मिस फील्डिंग और चार रन मिले वहां पर बहुत अच्छी गेंद एक ओवर की समाप्ति तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या हुई है 21 रन केवल एक विकेट के स्थान पर हमारे परवेश सर के हाथों इस्तकबाल किया गया अफरोज अली पठान अमजद पठान तीन ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर रन संख्या जा पहुंची 21 रनों पर असीम भाई गेल्या अनेक दिवसापासून पत्रकारितेचं काम करत असलेले लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ ज्या मीडियाला आपण म्हणतो असे आदरणीय अमजद पठाण सर आणि अफरोज भाई पठाण हे गेल्या अनेक दिवसापासून पत्रकारितेचं काम करीत आहेत त्यांचंही या ठिकाणी पंच कमिटीच्या वतीनं यथोचित या ठिकाणी सन्मान होतो आहे असीम भाई तसेच सोहेल भाई पत्रकार यांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे अगदी मनापासून त्यांचंही शब्दसम्राने या ठिकाणी स्वागत सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागतम असीम भाई धन्यवाद गुणानंद पतंगे सर मराठी कमेंटेटर गुणानंद पतंगे सर आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मोहम्मद परवेश सर इनके साथ तीन ओवर के समाप्ति के बाद